यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सिवाय गेमिंग के एफपीएस सिमुलेटर की एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर। तो आज का अपना चैलेंज आप सभी को पता ही होगा कि पिछले एपिसोड में अपन ने अपना न्यू वर्ल्ड स्टार्ट किया था, क्योंकि वो वर्ल्ड में कुछ समस्या आई थी। वो जब भी लोड करते तब सारा डिलीट हो गया था ऑटोमेटिकली सेविंग करने के नाम पर। तो इसीलिए हमने न्यू वर्ल्ड स्टार्ट किया है फिलहाल। अभी के लिए अब सबसे पहला काम है अपने लिए सोने जाना, और कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। और आई थिंक हम सो कर उठेंगे तो हमारे पास $3,00,000 हो जाएंगे, जो कि एक अच्छे खासे पैसे है अपने लिए। तो फिर हम लोग देखेंगे अपने को क्या न्यू चीज़ बाय करनी है। ये टी हमने कट करके साइड में डाला था। तो जाते हैं हम कुछ टाइम के लिए। जब तक हम अपने सबसे नेक्स्ट मॉर्निंग होते हैं, तब तक जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो अभी नाइट है, हम मॉर्निंग में उठ जाएंगे। लेट्स गो। मॉर्निंग हो चुकी है और पैसे अपने $3,027 हो चुके हैं। अभी चल के सबसे पहले अपनी फसल को देखते हैं कैसे क्या है, इसमें कोई खास अपग्रेड करने की आवश्यकता है भी है या नहीं। तो फसल ठीक ठाक हो चुकी है, 50% ये है वो है। और अभी इसमें कोई ऐसे खरपतवार तो अपने को नहीं दिखे अभी। आज के दिन सबसे पहला काम है अपने लिए एक न्यू बाइक बाय करना, क्योंकि बाइक लेंगे हम लोग। पिछले एपिसोड में अपने पास बाइक थी, तो इस वाले एपिसोड में हम लोग अपने लिए बाइक लेंगे। वो करीबन $4,000 की आएगी, पर कुछ नहीं, इतना इन्वेस्टिंग करना अपने लिए भी जायज है। पैसे भी अच्छे खासे है फिलहाल अपने पास। बस को बाइक स्टार्ट हो चुकी है, इसको लेके चलते। और ये दिसंबर मंथ है, अपने पास भी वीट वीट इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसको सेल करने के लिए कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। तो अपनी बाइक को लेके चलते हैं अपने घर पर। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि मैंने ये बाइक लेकर सही किया या गलत किया। लेट्स गो, चलो। अपनी बाइक 105 की स्पीड पे जा रही है, बहुत तेज जाती है। तो लेट्स गो। तो अभी आई थिंक अभी मॉर्निंग हुई है, और आपको पता है सही दिनों में मॉर्निंग कितनी लेट होती है। बोला जाए तो सही दिनों में 8 सुबह की काफ़ी जल्दी बज जाती है। पर अगर आज ना कोई खास काम नहीं होगा तो डे को स्किप करेंगे, इससे अपने फायदा है, अपन को अच्छे खासे पैसे और मिल जाएंगे। अगर काम नहीं हुआ तो होगा तो पहले काम करना होगा। लेट्स गो। भाई आगे चले गए, इसके अंदर वाटर नहीं बताया दोस्तों यार। उसमें दिखाता है, उसमें चले के देख लेंगे। वाटर 11,000 लीटर वाटर भी कम है, तो अभी तो सो जाते हैं। नेक्स्ट के नेक्स्ट टाइम अपन को वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ, तब मैं इसमें वाटर डाल दूंगा। अभी कुछ टाइम बाद तो वाटर की समस्या है, ऑटोमेटिक नहीं डलता है। और क्या इसमें घास फूस उगी हुई है यहाँ? नहीं, इसमें कोई घास भूस नहीं है। फसल सारी अपनी कम्प्लीट है, कोई भी अपने पास कोई काम नहीं है। तो अपन लोग चल के आज के डे को भी स्किप ही कर देते। लेट्स गो। तो फाइनल ज़्यादा कुछ नहीं, तो आज हमने न्यू बाइक से ली है। लेट्स गो। तो सो जाते हैं सबसे पहले, तो बाइक पे नहीं बैठना था, सॉरी गलती मेरी है, आज भी मुझसे दबा था। आर टू स्लिम डिनर हम 9-10 बजे उठेंगे कहीं पर। लेट्स गो। तो एक बार फिर से सोना पड़ा अपन को। हैं क्या हुआ?
मैं सो क्यों नहीं पाया? नहीं जाने क्या हुआ था, वापिस अपन सो नहीं पाए थे, तो वापिस हमने सोने की कोशिश की है। और भी पूछते हैं, देखते हैं क्या कुछ कैसे चलता है सभी कुछ। तो चलो चलो चले 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 चले। तो फाइनली हम लोग उठ भी चुके हैं और अपने पास 3,72,000 डॉलर है। अभी अपने खेत का सारा वुड देख रहे थे। अपनी फसल अच्छी खासी ग्रो हो चुकी है और अभी अपन को आवश्यकता है अपने वाटर। इधर इधर तो नहीं दिखा पे, इधर दिखा देगा। इसमें तो सिर्फ 2 2 लीटर वाटर बचा है, तो कैसे भी करके आज अपन को वाटर की भी पावर मतलब पूरी करनी होगी अपनी। तो ग्रीन हाउस अपने कहाँ पे दिखाता है अपना ग्रीन हाउस? किधर से दिखाता हूँ ये है। तो इसमें देखो, आप वाटर देखोगे, वाटर 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 सिर्फ 199 लीटर है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है वाटर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें 2 लीटर है। यानी कि भी अपना वाटर खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले अपन को वाटर के लिए कुछ करना होगा। तो इसमें चलते हैं अपने इसी वाले टैग को फिर से देखते हैं और हम इसको विदाउट मॉडिफाइड ही लेंगे कि कोई ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। हम इसको बाय करते हैं तो 150 डॉलर की औसत होगी, जो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि मैं अभी इन चीज़ों पर नहीं 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 कहना चाहता। अभी मैं सिर्फ इसको 2,000 रुपये दे के एंट ले रहा हूँ। 2,000 रुपये आई थिंक मेरे हिसाब से इनफ भी होंगे, हालांकि लाइफ टाइम के लिए नहीं। और वैसे एक तरह से देखा जाए, हम लोग 2,000 रुपये इसके दिए जैसे कि। और वो कंटेनर टेलर किधर गया अपना? 90 उसके है दोनों को लगभग। ऑलमोस्ट 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 आप टैग के मॉडिफाई के साथ देखो तो 1,50,000 रुपये के आसपास चला जाता है टारगेट दोनों का मॉडिफाई के साथ देखो। तो 1,50,000 रुपये में हम लोग कितने जन कितने दिन के लिए रेंट पे ले सकते हैं इसको? 4,000 रुपये, 6 7,000 रुपये, कई बार 1 साल के ज़्यादा ज़्यादा इससे हम रेंट ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 साल के लिए हम लोग इसको रेंट पर, तो मिनिमम कम से कम तो ले सकते हैं। तो अभी इस पर आ चुके हम लोग, क्या को स्टार्ट करते हैं और इसको लेके चलते हैं। जैसे बातें अपने उदय बोल थे पास, तो यहाँ तो हम अपने AI वर्कर को बोल देंगे, वो आकर इधर से लेकर चला जाएगा। अभी अपने AI वर्कर को मैं लोकेशन भेज देता हूँ दोस्तों, इस स्थान पर। डन, तो लोकेशन भेज देते हैं और AI वहीकल लेकर भी आ जाएगा अपना। ये तो साइड में बाइक कहाँ पे गए? अपनी बाइक को एक बार उस तरफ देखकर आते हैं कैसे क्या फार्मिंग चल रही है। और कुछ न्यू अपन को आइटम भी बाइक करने होंगे तो बाइक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल अपने पास 2 ट्रैक्टर है अभी। मेरे को नहीं लगता कि अपने को तीसरे ट्रैक्टर की आवश्यकता भी है। होगी तो हम और कोई ना लेके चैलेंजर जैसा कोई अच्छा ट्रैक्टर ही लेंगे, क्योंकि तो अभी हम लोग चल कर देखते हैं जब तक तो अपना टैंकर आता है तब तक ही। तो ये हम आगे इस पर और हम लोग आते हैं ट्रैक्टर की एक्सरसाइज पर। तो अपना ट्रैक्टर एक तो ये वाला है, इसमें आपको छोटे ट्रैक्टर मिल जाएंगे। देखो ऑलमोस्ट 39,000 रुपये इसके, और इसको हम लोग मैक्स मॉडिफाइड करा कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 63,000 3,000 रुपये ऑलमोस्ट ये अपन को 65,000 रुपये मिल जाएगा। और ये ट्रैक्टर है एक जो कि 56 HP का है, और इसकी मैक्स पावर मॉडिफाइड करते तो 117 HP का है और 80,000 रुपये मिला है। साथ में इसके साथ अगर हम लोग इस पर आ जाए तो यहाँ पर अपना चैलेंजर हो गया, ये वाला हो गया, ये भी 160 HP का है। और इसको हम लोग 83,000 में मॉडिफाइड करते हैं, कुछ और चीज़ें और एड इनोवेट करते हैं इससे। इतने टायर की आवश्यकता तो ना है दोस्तों, ज्यादा टाई होने से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वेट की बिल्कुल आपको बोले तो जरूरत पड़ सकती है। तो ठीक है, ये वेट भी सही है। अच्छा ये टायर अपना दूसरे काम के लिए हो गया।
नहीं, वेट तो इसमें जितना आईएस डाल सकते हैं उतनी ले लेंगे हम लोग। डन। इससे अच्छा तो नॉर्मली अच्छा लगा है ये। ला वेट तो इतनी कोई आवश्यकता नहीं है अभी वेट कैपेसिटी की तो। और यहाँ से ट्रैक्टर की साइज ही अपन टायर की साइज चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे अपन को अच्छी लगे। ओके डन। अभी तो बाय नहीं कहने वाले, फिर भी देखा हूँ इन फ्यूचर के नेक्स्ट एपिसोड में कभी बाय कहे तो। अभी इसे ट्रैक्टर को ले सकते हैं, जो कि इसको अपग्रेड करने के बाद ये 255 HP का काफी बड़ा ट्रैक्टर हो जाएगा वैसे तो। और इसके साथ अपने पास इसमें भी कुछ ट्रैक्टर का ऑप्शन है, पर इसकी स्टार्टिंग प्राइस इतनी ज्यादा है कि हम लोग बाय भी ना कर सके। तो अपना टेल आ चुका है आई थिंक। लेट्स गो। तो सबसे पहले अपने वाटर पंप को ऑन करते हैं। R2 refill। डन। बस को ब्रेक में लेके चलना होगा अपने को इसको। आई थिंक आ गया। तो इसको वाटर डाल के इधर भी 3 में डालना होगा, उधर 4 ही में डालना होगा। और मैं कई बार है उतने और गेन फार्म वो लगा दूंगा। तो ये है कि अपन को वाटर बार बार डालना पड़ेगा इसके। कुछ ऐसा बिजनेस देखेंगे जिसमें ज़्यादा वाटर की आवश्यकता ना हो। इसमें तो कुछ टाइम में आपको वाटर डालना ही पड़ेगा। हालांकि कमाई भी अच्छी होती है, पर वाटर में टाइम काफ़ी लग जाता है दोबारा। फिर तो मैं पूरे दिन दिन ही वाटर ही डालता रहूँगा तब तो। और कोई इससे बड़ा टैंकर भी तो नहीं है इस पे। सर बड़ा टैंकर हम बाय करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो वाटर एड करना चाहिए उनको ऐसी बात है, मेरे को ऐसा लगता है। तो आई टू रिफिल, इसको रिफिल कहते हैं भी हम लोग। ठीक है, जल्दी से रिफिल हो जाएगा ये। डन डन। अपना ये वाला टायर हवा में है, चल जाएगा। प्लस अलग आप भाई यू ये देखो डल गया ऑलमोस्ट। लेट्स गो। एक काम इसको फ्रंट से लगा देते हैं इधर। वैसे फसल को अभी तक तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई नुकसान ना होगा, हम लोग निकाल भी लेते हैं। निकल जाएगा ये फंस ही ना जाए। आज तो पहले इसको रिफिल कर देते। और अभी इसको अपनी गोल थिंग अभी बता दी होगी और हो गई होगी। मेरे हिसाब से इसमें पिछले टाइम में वाटर खत्म हो चुका होगा, तब जाकर ऐसा अपन को लगा है कि वाटर की कमी आ चुकी है। आज एक मिनट ना दोस्तों। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ 2 मिनट में इन सब में वाटर डालने के बाद, क्योंकि ऐसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा वाटर डालने डालने में। तो दोस्तों फाइनली अपना वाटर का काम 1 से या 2 बार और डालना, उसके बाद अपना वाटर का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो
डालते हैं अभी अपने इस टैंकर को कंप्लीट होते देते हैं वाटर का, आई थिंक होने वाला होगा अब तो हो या जल्दी। और उस वाले पंप में न जाने अपने क्या हुआ जो वहाँ पर वाटर नहीं आया है, अब तो इस पर टैंक पर लोड करने का ऑप्शन नहीं आया। फिर हमने यहाँ पर न्यू ये लगाया था, कल ही लगा दिया था, कल भी नहीं आया था तो ना ही आ जा रहा है उधर वाटर भरने का ऑप्शन। अभी हम अपने इस टेलर को लेकर निकल चुके हैं वाटर डालने के लिए, भरने के लिए। बस गो, चलो अभी आगे की तरह बढ़ते बिना किसी देरी के। वाटर बहने के बाद ट्रक में बोझ हो जाता है, वजन हो जाता है वजन। बस वो कितने साल में पति से टैग घुमा देगा ना, उधर फसल में गया ना कुछ, फसल में ऐसे भी छोटे है जो अभी इसको कोई खास नुकसान तो, खास क्या अभी तो इसको कोई नुकसान नहीं होता। और अभी इसको लेके चलते आगे ही था। इसके बाद अपन को बस एक बार और वाटर लेकर आना होगा, उसके बाद हम लोग सोने चलेंगे अपने इस कार को वापस रिटर्न करेंगे, क्योंकि इसका भाड़ा काफी महंगा पड़ता है अपन को। खुद के में सावे में डाल दिया अपन ने, बस को जल्दी जल्दी खाली हो जाए यहाँ से, फुल यूटर्न की कंडीशन में रखते हैं हम लोग। असल में जाएगी भाई कोई नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट सही नेक्स्ट मंथ से इसमें भी ये नहीं आ जा पाएगी, फिर फसल बर्बाद होने का खतरा रहेगा, अभी कोई खतरा नहीं है। अगर आपके सामने जो वाटरफॉल है अगर वो चल जाता तो अपन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, इधर से वाटर बह कर इसमें डाल देते, पर वो चल वो नहीं चला, कोई नहीं इतना तो लेके आ गए, तो एक बजे वो लेके आने में अपने को क्या प्रॉब्लम होगी। लेट्स गो, टॉप स्पीड 83 है इस टायर की, यहाँ से मैं पहले भी लग गया था, आप यहाँ पे व्हील के आगे जो आप बताए के ध्यान दिख गए होंगे। काफी फास्ट घूम गया टायर दोस्तों, आ गया आ गया, रिफिल का आ गया। तो अपने ये रिफिल होता है तब तक तो अपन देख लेते हैं अपना किधर कोई काम हो तो कुछ भी। ये तो स्टार्ट ही नहीं हुई, आई थिंक इसकी बैटरी लो हो गई है। अंदर के इंटीरियर में चलते, क्या हुआ भाई ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। तो ठीक है अपना टैंकर भर चुका होगा उधर, यस ये फिर इधर टैंकर, कितना पावर लगाना पड़ता है इसको, निकल गई। चलो चलते हैं अभी, सब्सक्राइब इन माय चैनल, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। दोस्तों जिसने भी हमारा व्लॉग नहीं देखा आज का, जाके देखिए, आज हमने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग आज कर रहा हूँ, व्लॉग भी आज ही डालू, कल ही डालूंगा, ये भी कल ही डालूंगा। अब ये नहीं पता है कि पहले कौन सा आएगा, आई थिंक पहले व्लॉग ही आएगा, दिन में डाल दूँ डाल चुका होगा मैं, तो आप लोग जाकर देख लेना, कुछ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक करना उस व्लॉग को। और अपने पहले भी बहुत सारे 2 से 4 व्लॉग डाल के, तो देखना मज़ा आएगा मेरी ज़िंदगी कैसी क्या चल रही है, आपसे भी लोगों को बताऊंगा हमने। अभी एक एक बात, अपन चावल में वाटर डाल चुके, अभी सिर्फ और सिर्फ अपन को इसमें वाटर डालना है, बोले तो एक कुछ कुछ लीटर खाली है। आई फील ओके है, अच्छा डल गया,
कितना पास डाला बे। लेट्स गो आई। इसमें आ जाएगा करीबन 50 लीटर पर आ जाना चाहिए, उससे 60 पर। 23, 22, 20, 21। अबे वैसे पहले वोटे नहीं था, ये तो काफी दुखदायक बात हो चुकी। हाँ वैसे सही है, नहीं वाटर सही डाला है, क्योंकि दुख तो होता है ना दोस्त। अगर 8 लीटर वाटर बच गया तो अपना काम बस अच्छा हो सकता है। 10 लीटर वो बच गया जी। ओ अब तो आराम से अपने इसमें वाटर हो जाएगा। अच्छा ऑटो स्टार्ट पे है क्या? चलो तो फाइनली 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 एक बार आगे तरफ आकर एक बार और डाल देते, हो सकता है वो उसमें डला हो। नहीं इसमें डल ही चुका है। जब ट्रक को यहाँ से रिटर्न घुमाते हैं तो बंदा गियर चेंज करता है, तब देखना आप लोग ये करना। अभी मैं गियर देखने के लिए बेताब हूँ, देख जल्दी कर चेंज। ये देखो कर दिया। आप लोग नीचे रखना, मेरे को इधर की तरफ नीचे रखनी पड़ती है। देखो यस, ये काफी अच्छा लगता है मेरे को इस गेम में। जब भी गेयर कोई भी किसी भी कार का गेयर चेंज करते हैं तब तो अपन को सोने के लिए चलना होगा, अपने टैंकर को वहीं से रिटर्न कर देंगे। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और बेकार में $3,000 देना इनफ भी नहीं है, तो इसको रिटर्न करते हैं अपने मैनेजमेंट में आके। रिटर्न स्टार्ट रिटर्न, ओके रिटर्न करते हैं इसको, डन। और इस टैंकर को भी कहते हैं रिटर्न। तो फाइनली अभी अपन चल के आपको दिखो, मैं तो इधर दिख जाएगा। वाटर 40-90 है, ऑलमोस्ट फुली है। ओके डन। सीट 600 में लगी हुई है ना, क्योंकि मैं अपना लॉस किसी चीज में नहीं झेल सकता दोस्तों। किस किस्से में वाटर खत्म हो गया था बिल्कुल भी, तो फिर हो सकता है कि वो। तो ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बिजनेस देख कर आएंगे ना जिसमें अपना प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो। अभी के लिए सो जाते हैं एक बार फिर से, और नेक्स्ट मंथ फसल कितनी ग्रो होती है ये देखते हैं। आई थिंक हमारा सोने का टाइम ये कोई 2 से 3 बज गए थे उस वक्त। लेट्स गो, देखते हैं अभी कैसे क्या चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। तो दोस्तों फाइनली अपना न्यू न्यू डे आ चुका है, और अभी के दिन अपना ऑलमोस्ट अपने पास 4,75,000 रुपये है। तो ठीक है अपने आज के, और 100 75 नहीं 45,000 रुपये है। तो अपने आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अपन को अपना लोन भी कट हो चुका था। पहले थे पैसे पर कुछ लोन लिया था, वो कट हो चुका है। तो ठीक है अपना गेम सेव है। तो ठीक है अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए खतरनाक टॉपिक के साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने भी हमारा आज का व्लॉग ना देखा जाकर देखे। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय, गुड बाय।